तो हम बात कर रहे हैं अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के बारे में। तो मेरे पास क्या है कि ये पर्सन के नेम्स हैं और ये आपका स्कैन डेट है। अब ये स्कैन डेट क्या है, इसको जानी है। क्या होता है कि हमारे पास एक डेटा आता है जिसे हम ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में आप अपना अटेंडेंस रजिस्टर पे तो लगाते ही होंगे जी जी, लेकिन आप लोग एक्सेस कार्ड भी यूज करते होंगे ताकि आपका जो ऑफिस का दरवाजा है वो खुल जाए। कुछ लोग अपना थंब यूज करते हैं, कहीं कहीं पे जो बायोमेट्रिक होता है कहीं पे एक्सेस कार्ड सिस्टम होता है। जी जी, हमारे इधर तो, है सर, वो आई स्कैन करते हैं जब भी जाते आते हैं तो। हाँ, तो आपका जो ए है एडमिन है और आपका जो एचआर है वो क्या करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है कि आपकी जो पे अटेंडेंस आई है आपके टीम के द्वारा वो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जो मैच नहीं करता है उस पर क्लेरिफिकेशन मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए ना कि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डायरेक्ट हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस से ही अटेंडेंस क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? तो ऐसा हर कंपनी में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो आउटडोर करते हैं, तो कुछ एम्प्लॉई हैं जो कि वो ऑफिस का काम से डायरेक्ट घर से ही निकल जाते हैं। जैसे मान लो किसी ऑफिस गुड़गांव में ऑफिस है और उसका आपका साउथ दिल्ली में या फिर फरीदाबाद में उनका कोई काम है, तो वापस गुड़गांव आएगा, ऑफिस में अटेंडेंस लगाएगा और फिर वापस फरीदाबाद या साउथ दिल्ली जाएगा, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो लोग करते हैं कि हम घर से ही डायरेक्ट जो काम करते हुए फिर ऑफिस आएंगे, या ऑफिस टाइम बचा तो नहीं आएंगे। तो ऐसे केसेस में अब उस दिन तो ऑफिस के काम से बाहर तो था पर ऑफिस नहीं आया, इस कारण से उसका बायोमेट्रिक नहीं लगेगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि उनका एक अटेंडेंस जो है मैनुअल उनकी टीम भेजती है कि हाँ ये हमारे टीम का अटेंडेंस है, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हमारी जो एचआर टीम है वो एडमिन से भी अपना सिक्योरिटी का जो भी उनका होता है, कुछ लेक्सिस कार है, कुछ बायोमेट्रिक है, कुछ आईएसकेन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, यूज करते हैं और क्रॉस चेक करते हैं, और जहाँ उनको मिसिंग लगता है वो उस पे उनके डिपार्टमेंट से क्लेरिफिकेशन मांगते हैं कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये इस दिन को ये बंदा आया नहीं था, आप बोल रहे आया है, प्लीज़ क्लेरिफाई करो। तो फिर वो मैनेजर बोलता है कि आउटडोर गया हुआ था, इसने ये नहीं किया, आया तो था बट ये नहीं किया, वगैरह वगैरह जो भी होती है वो करते हैं। तो इनफैक्ट मेरे पास जो डेटा है, इतना स्टोरी करने का मतलब है कि मेरे पास जो डेटा है वो पूरे महीने का ये डेटा है कि वो किस दिन कितना बजे अपना कार्ड को पंच किया है। ठीक है, तो ये जो डेट दिख रहा है, डेट और टाइम दिख रहा है, कविता ने 6:01 को रात के 1 बजे कार्ड पंच किया है, रात के 12 बजे, पौने 12 बजे, पौने 1 बजे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि जो डेटा है ये डेटा में एक ही दिन में कई बार, क्योंकि जितना बार हम बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर अंदर बाहर करते हैं, उतना बार इसका यूज करते हैं, तो उतनी बार इसमें डेटा एंट्री होती है ना सर जी। तो यहाँ मेरा डेटा रिपीटेड है कि कविता एक ही दिन में 20 बार बाहर अंदर बाहर की है, तो 20 एंट्री हो गई है जी। तो मुझे इसको यूज करते हुए हमें एक अटेंडेंस बनाना है कि हाँ किस दिन को कविता आई है या नहीं आई है जी। तो इसके लिए हम पिवट का इस्तेमाल करेंगे। तो राकेश जी समझ में आ गया हमें करना क्या है, हमारे पास डेटा क्या है? हाँ, समझ में आ गया। चलिए शुरू करें। तो हम यहां पिवट टेबल लगाते हैं, एक नई शीट में हमारी पिवट लग जाती है। हम नेम को रखते हैं रो में ताकि सारे यूनिक नेम लिस्ट आ जाए, जो कि हमारे पास आ गया। फिर स्कैन डेट को हम कॉलम में रखते हैं। कॉलम में रखने के बाद इस तरह के प्लस साइन आते हैं, क्योंकि एक दिन में कई बार एंट्री है ना, जैसे देखिए साधु की तो कई बार एंट्री है, तो सारा पूरा डेट आ जाता है, लेकिन हमें तो डेट बाय चाहिए, आवर से मतलब नहीं है हमें। तो यहां हम ग्रुप का यूज करते हुए हम इसको डे वाइज ग्रुप कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ कि अब मेरे हेडिंग में एक डेट एक ही बार आ रही है। ठीक है जी। फिर स्कैन डेट को वापस हम यहां वैल्यू में रखते हैं, जिससे हमारा काउंट निकल के आ गया, जिससे हमारा
काउंट निकल के आ गया। अब इसमें जो जहां जहां ब्लैंक है मैं वहां वहां जीरो करना चाहता हूं, तो पिवट टेबल में हमने गए और यहां फोर इंपेक्टिव से जीरो या जो भी देना चाहते हो आप डायरेक्ट दे सकते हो। ठीक है, और आप यहां देख पा रहे हैं कि हमने ऐसा यहां पे कर दिया जी। लेकिन यहां सबसे दो चीजें हैं कि जो टोटल है मुझे टोटल नहीं चाहिए, जो टोटल लिखा हुआ है मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे इसकी मतलब नहीं है। तो पिवट टेबल ऑप्शन में गए, टोटल एंड फिल्टर्स में हम यहां पे हटा दिए, तो टोटल हट गया जी। अब यहां मुझे क्या करना है कि जो टोटल नंबर्स हैं जो दिख रहे हैं आपको, इनको मुझे जो नंबर्स हैं इनको मुझे प्रेजेंट करना है और जो जीरो है अब सेंड करना, मतलब जिस दिन कोई भी स्कैन उसकी नहीं हुई है इसका मतलब है कि उस दिन वो आया ही नहीं है जी। तो यहां पे मुझे जीरो करना है, मैंने ये करना है मतलब कि अब सेंड करना है जीरो को। तो राइट क्लिक करते हैं पिवट टेबल ऑप्शन में, और पिवट टेबल ऑप्शन में तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हम यूज करेंगे अपना कस्टम फॉर्मेटिंग जो कि मैंने आपको पिछले कुछ क्लास पहले बताया था। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम, और यहां पे हमने बोला कि पी, क्योंकि इसके पहले से समझाया था कि पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव, और तीसरा क्या होता है अपसेट। ठीक है सर जी। तो ये क्या करेगा कि पहला जो है पॉजिटिव नंबर के जितने भी है सब पे पी डाल देगा, 1 2 3 जो है वो भी, निगेटिव नहीं है तो हमने यहां पे ब्लैंक छोड़ दिया, और तीसरा जो होता है पहले से हमारा जीरो का होता है, तो जहां जहां जीरो है वहां वहां ए डाल देगा। ओके, अब सेंड कर देगा जी। तो राकेश जी समझ में आया हमारा ये डाउट इसमें? नहीं नहीं इसलिए समझ में आया, बट कस्टम में इन्वर्टेड में टिक्स होता है तो एक में पी और एक में ए कैसे ले रहा है, इसे मतलब आपने कस्टम फॉर्मेटिंग भूल गया है सर ना? टेक्स्ट दोनों तो टेक्स्ट ही है ना, चाहे वो ब्लैंक ले या आप कस्टम फॉर्मेटिंग भूल गए हैं। आपको याद है कस्टम फॉर्मेटिंग जब पढ़ाया था तो हमने आपको एक आर्टिकल दिया था पढ़ने के लिए, आर्टिकल दिया याद है माइक्रोसॉफ्ट का। इस आर्टिकल में पहला पोजीशन ये है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव निगेटिव टेक्स्ट जीरो है। तो यहां हमने आपको ये समझाया था, यहां मैंने ये समझाया था आपको कि जैसे कि कोई नंबर आप लिखते हैं और यहां पे फॉर्मेट सेल पे जाते हैं कस्टम फॉर्मेट में, अगर मान लीजिए कि आपने यहां पे कुछ लिख दिया, हमने लिख दिया एमआरपी, करेक्ट, तो एमआरपी आ जाएगा, तो यहां पे आपको इसके आगे मैंने हैश जीरो कुछ ही डाला है तो 15 की जगह एमआरपी शो करेगा, करेगा, करेक्ट। उसके बाद हमने बोला कि यहां जो हम कोड डालते हैं उसके चार पार्ट होते हैं, चार इनपुट होते हैं, सिर्फ इफ फॉर्मूला लगाते हैं, वी लुकअप लगाते हैं, तो नीचे उसका सिंटैक्स होता है, चार सिंटैक्स में चार इनपुट लेगा, ऐसे इसके अंदर भी चार इनपुट होता है। तो पहला होता है पॉजिटिव के लिए, तो जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वहां पे आपको एमआरपी डल जाएगा, लेकिन सेमी कॉलन करके मैं जैसे ही यहां पे डाला डिस्काउंट, तो अब जो निगेटिव होगा ना उसके जगह पे डीआईएस लिखा हुआ आएगा, तो माइनस में लिखेंगे तो डीआईएस लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आपका पॉइंट सही है, वो मुझे वो पॉइंट याद नहीं था, वो एक पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए पीछे के चीज पे प्रैक्टिस करने के लिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज आगे किसी न किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम, हमने सेम चीज यहाँ पे अप्लाई किया और हमने अपना रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव आ गया। ठीक है, लेकिन ये जस्ट विजुअल है, हमने इसको बनाया है सिर्फ प्रिंट आउट के पर्पस से, समझ गए? प्रिंट आउट के पर्पस से हमने बनाया है।
अगर प्रिंट आउट के पर्पज से आपने बनाया है इसको, तो अगर मुझे, अगर मान लीजिए कि एक बार मैं दोबारा पिवट लगाता हूँ, चलिए इसमें एक नई चीज सीखने को भी आ गई है सर, तो अगर मान लीजिए मुझे इसको रियल में पी और ए करना हो तो कैसे करेंगे? अगला चैलेंज हमारा ये है। अगली टॉपिक हमारी क्या है कि ये जो हमने बना लिया बट दिस इज यूनिफॉर विजुअल, एक्चुअल में हमारा जीरो ही है ना जी, तो इसके ऊपर हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, देख सकते हैं, बट कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते, कंडीशन वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी, फिर पी के ऊपर नहीं कर सकते, ए के ऊपर नहीं कर सकते, मुझे काउंट करना है कि टोटल पी कितना है, तो पी से काउंट नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज नंबर। तो ऐसा क्या क्या करें जो हम इसको नॉर्मल कर लें? अगली टॉपिक हमारी यही है।